बाहर आ जाइए, हम लोग नगर पालिका परिषद पीतमपुर डिवाइन टीम से है। हम लोग कुछ जागरूकता के तौर पे आपको कुछ समझाइश देने के लिए आए, तो सभी से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए घरों से बाहर आ जाइए। वह समस्या हो तो हमारी गाड़ी के पास आ जाइए, हम आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। वार्ड नंबर 8 के समस्त रहवासियों से निवेदन है कि कुछ समय के लिए अपने घरों से बाहर आए। वार्ड नंबर 8 के सभी रहवासियों से अनुरोध है कि हम लोग नगर पालिका परिषद पीतमपुर डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट के हैं। तो आप सभी को यह पता होगा कि हम लोग नगर पालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पीतमपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी हमारे पीतमपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो इसके अंतर्गत कुछ जानकारियां भी होती है, कुछ सूचनाएं भी होती है और कुछ बदलाव भी होते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे पीतमपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो चालू हो चुका है, तो इसके अंतर्गत कुछ बदलाव आए हुए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव है, तो आपके यहाँ सुबह जो डोर टू डोर कचरे की गाड़ी आती है, आप सभी को पता होगा कि आपने यहाँ कचरे की गाड़ी आती है, उसमें हर बॉक्स अलग अलग होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो गाड़ी आती है उसमें 3 बॉक्स होते हैं। गीले कचरे का बॉक्स वह होता है जिसमें हमारे किचन से जो भी वेस्टेज निकलता है, सब्जी का जो भी जूठा वगैरह रहता है, आपको हरे रंग के बॉक्स में ही डालना है। और सूखा कचरा जो रहता है वो नीले बॉक्स रहता है, उसमें आपको कागज पन्नी पॉलिथीन वगैरह डालनी है। लेकिन इसके अलावा जो तीसरे नंबर का बॉक्स होता है, उसमें कुछ लोगों को सही से जानकारी नहीं है कि उसके अंदर आप लोगों को डालना क्या है। तो आप सभी को बता दूं कि आपको उसके अंदर डालना क्या है। आपके यहाँ पर जो बच्चों के डायपर वगैरह निकलते हैं, आपको वो भी 3rd नंबर के बॉक्स में ही डालने हैं। सैनिटरी पैड जो रहते हैं वो भी आपको 3rd नंबर के बॉक्स में ही डालने हैं। इसके अलावा मास्क, ग्लव इत्यादि, आपके यहाँ जो लाइट बल्ब टूट फूट जाते थे, जैसे बैटरी वगैरह खराब हो जाती थी, जो लाइट बल्ब स्क्रेच पड़ जाते थे, आप लोग करते क्या थे कि उन्हें सूखे बॉक्स में डाल देते थे। तो आप सभी को सूखे बॉक्स में ना डालकर जो 3rd नंबर का बॉक्स आता है उसमें ही डालना है। और सभी को 2 या 3 डस्टबिन अनिवार्य रूप से ही लाना है। गाड़ी में कचरा डालते समय कोई भी मेंबर पॉलिथीन के अंदर कचरा नहीं लाएगा। 3 बॉक्स गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं, तो 3 बॉक्स में अलग अलग कचरा ही आपको प्रदान करना है। यदि कोई भी मेंबर कचरा अलग अलग नहीं देता है, अलग अलग नहीं डालता है, डस्टबिन के अंदर कचरा नहीं लाता है, तो हमारे द्वारा 1 या 2 बार ही समझाई दी जाएगी। उसके बाद नगर पालिका द्वारा जो चालान दिया जाएगा वो चालान आप लोगों को भरना होगा। उसके अलावा जो आपके यहाँ घरों के सामने जो खाली प्लॉट वगैरह रहते हैं, उसमें अभी तक देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा गंदगी की जाती है। कागज, पॉलिथीन, कपड़ा वगैरह जो भी आप फेंकते हो, ऐसा नहीं करना है। यदि कोई भी मेंबर कचरा फेंकते हुआ पाया गया या खाली प्लॉटों में गंदगी करता हुआ पाया गया, तो उसके ऊपर चालान दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर आप लोगों को कितनी बार समझाई दी गई है कि कचरा ना फेंके, उसके बावजूद आप लोगों ने कचरा फेंका है, तो ऐसा ना करें। यदि आप कोई भी मेंबर यदि कचरा फेंकता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर चालान दिया जाएगा। और आप सभी को पता होना अनिवार्य है कि हमारे पीतमपुर में पन्नी बैन है। यदि आप मार्केट जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो झोला बैन का उपयोग करें। घर से झोला लेकर जाए, उसके अंदर सब्जी वगैरह लेकर आए, ना मार्केट में जाकर किसी से पॉलिथीन मांगे। और यदि आपको दुकानदार पॉलिथीन देता है तो उसे मना कर दीजिए कि हम घर से झोला लेकर आए हैं, उसमें सब्जी डाले। यदि कुछ ऐसी चीज रहती है जो पन्नी में लाना अनिवार्य है, तो कपड़े की जो पॉलिथीन आती है उसके अंदर ही लेकर आए। कोई भी पॉलिथीन का यूज नहीं करेगा, क्योंकि पीतमपुर के अंदर पॉलिथीन बैन है। यदि कोई भी दुकानदार से पन्नी मांगेगा तो उसके ऊपर भी चालान दिया जाएगा। और यदि कोई दुकानदार आपको देता है पन्नी के अंदर सामान वगैरह जो भी, तो उसके ऊपर भी चालान दिया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पीतमपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण चालू हो चुका है 2021 का। तो यदि आपसे कोई भी बाहर का मेंबर आके आपसे पूछता है कि आपके यहाँ पीतमपुर में कौन सा सर्वेक्षण चल रहा है, तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पीतमपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चल रहा है। इसके अंतर्गत कुछ साफ सफाई वगैरह व्यवस्थाएं आपको दिन प्रतिदिन प्रतिदिन देखी जाएगी। और इसके अलावा कोई भी मेंबर को अपने वार्ड संबंधित जो भी शिकायतें हैं, जैसे आपके यहाँ झाड़ू नहीं लग रही है, नालियां नहीं साफ हो रही, चेंबर बड़े बड़े हैं, कहीं प्लॉट वगैरह गंदगी है, तो अभी हमारे मेंबर को आप लोग बता सकते हो, हम लोग उस आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। क्योंकि हम लोग आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही जो काम करते हैं। तो आप सब आज
के किसी भी लाभार्थी को अपने वार्ड संबंधित कोई भी शिकायत है तो अभी इसी वक्त गाड़ी के पास आकर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। धन्यवाद।